पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन विषयों पर बहस हो रही है उनमें से एक ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान का बढ़ना है। यह कारखानों और वाहनों से निकलने वाला वह धुआं है जो हमारी धरती को गर्म कर रहा है। इसकी वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ता ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए लगातार प्रयास में जुटे हुए हैं। इसी तरह नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली नन्हे वैज्ञानिक विनीशा उमा शंकर ने सौर आयरनिंग गाड़ी का आविष्कार किया है जो सूरज की ऊर्जा से काम करती है। 12 साल की विनीशा ने महसूस किया कि कोयले को जलाने से पैदा होने वाली गर्मी जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। स्कूल से लौटते समय एक बार उसे कपड़े धोकर इस्त्री करने वालों के लकड़ी का कोयला के उपयोग के कारण होने वाले खर्च और पर्यावरण प्रदूषण के बारे में विचार आया। यदि 12 साल की बच्ची यह कहे कि उसे आविष्कार करने के लिए एक नया विचार आया है तो बहुत विरले माता पिता ही उसे प्रोत्साहित करेंगे। विनीशा के पिता उमा शंकर सत्यनारायण अपनी बेटी के करीब रहकर उसके आविष्कार को हर कदम पर प्रोत्साहित करते रहते हैं। बेटी की हर छोटी बड़ी कामयाबी का जश्न मनाते हुए वह उसके साथ खड़े रहे और जब भी कोई छोटी मोटी गड़बड़ी होती थी तो उसे प्रोत्साहित करते थे। இப்போ நான் என்னோட பொண்ணுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா நீ வந்து பின்னாடி வந்து என்னவாகுவ டாக்டர் மை அப்படி பேட்டி சே கத்தா தான் கிவோ படாய் கரெக்ட் பவிஷ் மே ஜெய்சா சாஹே வைசா பன் சக்தி ஹே லேக்கின் ஜிஸ் சமாஜ் மே ஹம் ரஹ்தே ஹே ஹமே ஹர் ஹால் மே உஸ்கே பதலே உஸ் சமாஜ் கோ குச் யோக்தான் கர்னே கி பூரி கோஷிஷ் கர்னி சாஹியே ஹமே அப்னே பச்சோ கி பர்வரிஷ் இஸ் தரஹ நஹி கர்னி சாஹியே ஜிஸ்கா உத்தேஷ் கேவல் பைசா கமானா ஹோ। आविष्कार से हमारे बच्चों को जो संतुष्टि मिलेगी वह करोड़ों रुपए भी नहीं दे सकती। समुदाय अभी पड़ेपो मनदल तरह तृप्ति पड़ेप विनीशा ने अपने विचार को एक महान आविष्कार में बदलने के लिए करीब 4 वर्षों तक कड़ी मेहनत की। इस उपलब्धि की मान्यता देते हुए पिछले साल केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड दिया गया था। स्वीडन के चिल्ड्रंस क्लाइमेट फाउंडेशन की ओर से विनीशा को चिल्ड्रंस क्लाइमेट 2020 पुरस्कार भी दिया गया। यह पुरस्कार एक ऑनलाइन कार्यक्रम में दिया गया था जिसमें स्वीडन के पर्यावरण मंत्री और उप प्रधानमंत्री इसाबेला लोवे ने भी भाग लिया था। पर्यावरण की रक्षा करने वाले सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आमतौर पर गाड़ी के सबसे ऊपर एक सौर पैनल को लगा दिया जाता है। इस पैनल पर पड़ने वाली सूरज की किरणों से बिजली पैदा होती है। यह बिजली गाड़ी की बैटरी में जाने के बाद आयरन बॉक्स में आती है। इस आयरन बॉक्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस बिजली को संरक्षित करके बारिश और धूप के मौसम में भी बेहतर तरह से काम कर सके। विनीशा जितनी स्पष्टता के साथ बोलती है वह उसकी उम्र की बच्ची से उम्मीद नहीं की जा सकती। वह कहती है कि किसी समस्या को हल करने के लिए कोई खोज उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि समस्या के विरोध में सड़क पर उतरकर जागरूकता पैदा करना। नम स्ट्रीट ले पोई प्रोटेस्ट पन्नला। दूसरों को जलवायु परिवर्तन के महत्व के बारे में बताने के लिए हम सड़क पर उतर सकते हैं और विरोध कर सकते हैं, लेकिन बिना कोई जिम्मेदारी लिए लड़ने का कोई फायदा नहीं। इसलिए मैंने जिम्मेदारी लेने का फैसला किया है और पर्यावरण से जुड़े अपने आसपास की समस्याओं को हल करने की कोशिश की। ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து நான் ஒரு இன்னோவேஷன் ஐடியா என்னோட லோக்கல் ஏரியாவில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். நான் மற்றவங்களை எதுவும் சொல்ல போகிறதில்ல। विनीशा को इस साल का तिरुवनमलाई जिले का सर्वश्रेष्ठ छात्र होने का पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा उसने केरल स्टार्टअप मिशन से प्रदीप पी दनूर इनोवेशन अवार्ड और कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय से स्मार्टफोन के लिए भी पुरस्कार प्राप्त किया है। यह स्मार्टफोन सेंसर के माध्यम से मानव शरीर की गर्मी को महसूस करता है और इसे खुद ब खुद सक्रिय करता है। इस विकसित होते डिजिटल युग में समय लगाने वाले कुछ छात्रों के बीच विनीशा का अपनी गहरी सोच और उदार प्रयासों से
इस दुनिया में बहुत सारे आविष्कार करना और किताबें पढ़ना काफी सराहनीय है। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।